आप सबका इस्तकबाल सिटी न्यूज 24x7 पर। आज तेलंगाना लेजिस्लेटिव काउंसिल EIMIM MLC जनाब मिर्जा रियाजुल हसन एफेंदी साहब ने असेंबली में कुली कुतुब शाह अर्बन डेवलपमेंट, सालारजंग ब्रिज और डबिरपुरा नाला वर्क का मुद्दा उठाया और केटी रामा राव मिनिस्टर ऑफ IT ऑफ तेलंगाना ने EIMIM MLC जनाब मिर्जा रियाजुल हसन अफेंदी को जवाब दिए। हर अहम खबरों के लिए सिटी न्यूज 24x7 को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर लाइक करें। कुली कुतुब शाह अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी को 1981 में मरहूम खायत आले जनाब सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी साहब अले रहमा ने की नुमाइंदगी पर यह तश्कील दिया गया था। तब से ओल्ड सिटी के डेवलपमेंट के लिए कुली कुतुब शाह अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के जरिए से कई काम हुए, लेकिन देखा जा रहा है कि साबिका 2-3 साल से यहां से कोई डेवलपमेंट के काम नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि यहां पर अदम बजट के कमी के वजह से कामों में दुश्वारी हो रही है। तो मैं आपके जरिए से ऑनरेबल मिनिस्टर साहब से गुजारिश करूंगा कि यहां पर बजट को अलोकेट कीजिए। और देखा जा रहा है सब कि यहां पर परमानेंट एडमिनिस्ट्रेटर और सेक्रेटरी भी यहां पर मौजूद नहीं है, तब के यहां पर मोर देन 100 एम्प्लॉयज जो है अपने सर्विसेज दे रहे हैं इस फर्म में। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा सब। और एक साहब, ये सालारजंग ब्रिज यहां पर हमारा डंपिंग यार्ड भी है सब, यकीनन सारी ओल्ड सिटी से गार्बेज यहां पर आता है और यहां से डंप होने के बाद शिफ्ट होता है सर। मैं आपके नॉलेज में लाना चाहता हूं सब कि यहां पर जो ऑलमोस्ट 300-400 व्हीकल से जो गार्बेज आता है सर, उसके वजह से फ्लो ऑफ ट्रैफिक जो ब्रिज पे है उसमें काफी तकलीफ हो रही है। और वहीं पर बाजू हमने इमलीबंद का पार्क बनवाया, जिससे जो है आवाम इस्तेफादा नहीं उठा सक रही है, क्योंकि इसका जो स्मेल होता है उसके तरफ से जो है इसमें काफी प्रॉब्लम हो रहे हैं लोगों को। साथ ही साथ जो अन्य म्युनिसिपैलिटी को डिपॉइड कहा कि रियाज भाई ने कहा कि इमलीबन बस स्टैंड पे, इमलीबन बस स्टेशन के पास जो पार्क बनाया गया उसका प्रॉब्लम है, मैं उसका मैं जरूर हमारे कमिश्नर यहीं पे मैं उनसे बात करूंगा इसके बाद। उसके बाद उसके साथ साथ आपने ये भी कहा कि दबीरपुरा पे जो ब्रिज बन रही है बहुत सुस्ती से बन रही है, तो मैं जरूर उस पर भी एक बार गौर करूंगा। इसके अलावा आपने कहा कि सालारजंग ब्रिज वहां पे जो ट्रांसफर स्टेशन है उसके वजह से भी, उसके तरफ से भी आपको कोई तकलीफ है, मैं अलग से आपसे बात करूंगा। इसके अलावा आपने कुली कुतुब शाह अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी की भी आपने बात की। कुली कुतुब शाह अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी अगर आप देखेंगे, हर साल करीब करीब 50 करोड़ उसको दिया गया। मैं आपसे सहमत हूं कि उसका एक एडमिनिस्ट्रेटर ना होने की वजह से शायद थोड़ा जितना तेजी से काम होना चाहिए, जितना तेजी से प्रोग्राम चलना चाहिए शायद नहीं चल रहा हो, पर मैं जरूर उस पर भी गौर करूंगा। अगर एक एडमिनिस्ट्रेटर अलग से अपॉइंट करके उसको भी थोड़ा और मजबूत करने की कोशिश भी जरूर करेंगे। इसके अलावा मैं एक और बात भी जाफरी साहब से मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि यहां पे शायद डिस्कशन कल नहीं होगी, हैदराबाद में मैं तफसील में बोलना चाह रहा था, इसलिए कल भी आपसे मैं कह रहा था कि कल पूरी तरह से बात करते हैं। मैं एक बात आपको यकीन के साथ, एक बात पूरी विश्वास के साथ बोल सकता हूं, जितना काम पिछले 6 सालों में खासकर लॉकडाउन टाइम पे भी जितना काम यहां पे हुआ है, चाहे वो रोड्स का हो, पानी का हो, चाहे कोई और सहूलत का भी हो, शायद ही कभी हैदराबाद के हिस्ट्री में, इतिहास में इतना काम नहीं हुआ पिछले 6 साल में जितना हुआ। तो मैं उम्मीद करता हूं, यकीन करता हूं, जिस तरह से आप हमेशा एक फ्रेंडली गाइड बन के आप और आपकी पार्टी हमें सलाह मशवरा देते आई है, वही फ्रेंडशिप और वही सलाह मशवरा आगे भी आप देंगे। मैं ఈరోజు నంబర్ వన్ అని కూడా ఒక హైదరాబాద్ ఉన్న మొత్తం 34 నగరాల్లో ఇంకా చెప్పాలంటే చాలా ఉన్నాయి అట్లాంటి కితాబులు, బట్ వీఆర్ డూయింగ్ అవర్ బెస్ట్ జాఫ్రీ సాబ్, ఐ హోప్ అండ్ ఐ రిక్వెస్ట్ దట్ యూ అండర్స్టాండ్ దట్ విత్ ఇన్ ఆల్ ది లిమిటేషన్స్ ఆఫ్ కోవిడ్ వీఆర్ ఆపరేటింగ్ ఇట్ అవర్ బెస్ట్ అండ్ వీఆర్ డూయింగ్ అవర్ బెస్ట్ టు ఇంప్రూవ్ ద ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్। जी हाँ दोस्तों, हर सीनाओं के हुस्न को दोबाला करे टूफा, टूफा हर्बल हेयर ऑयल, कुदरती जड़ी बूटियों का एक नादिर नायाब शाहकार उनके लिए जो घने बालों की शौकीन है। मर्द और खवातीन के लिए एक सा मुफीद टूफा हर्बल हेयर ऑयल।
हर मेडिकल स्टोर और जनरल स्टोर पर आसानी दस्तियाब। टूफा हर्बल हेयर ऑयल SNQ फार्मेसी की नायाब पेशकश, आज ही इस्तेमाल कीजिए टूफा हर्बल हेयर ऑयल।